हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं उससे बात नहीं कर सकता। क्यों भला? एक्चुअली मेरे और उसके बीच 36 का आंकड़ा है। जी हाँ, 36 का आंकड़ा। हेलो, नमस्कार, आदाब, मैं हूँ हफ्सा बानो सिद्दीकी और आज हम आपको इसी 36 के आंकड़े से मिलवाते हैं, मतलब इसके पीछे की दास्तान बताते हैं। अक्सर बातचीत के दौरान आप इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए लोगों को सुनते होंगे, 36 का आंकड़ा यानी दुश्मनी, विरोधाभास, किसी से बेहद नफरत करना, या जब दो लोग एक दूसरे से नफरत करते हो उनके बीच विरोधाभास और दुश्मनी जैसी स्थिति हो जाए तो कहा जाता है कि उनके बीच 36 का आंकड़ा है। जब दो परस्पर विरोधियों के बारे में चर्चा की जाती है तो भी ऐसा ही कहा जाता है कि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। जैसे राजनीतिक समझ वाले चर्चा करते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में 36 का आंकड़ा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये 36 का आंकड़ा ही क्यों कहा जाता है? एक आगे पीछे यानी 35 या 37 का क्यों नहीं कहा जाता, या फिर दुश्मनी के लिए अन्य किसी संख्या का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, मसलन 25 का आंकड़ा, 46 का आंकड़ा या 72 का आंकड़ा वगैरह वगैरह। ये 36 नंबर का ही प्रयोग क्यों किया गया? आइए आपका और वक्त लेते हुए इसका जवाब हम आपको बताते हैं। दरअसल इसका जवाब सवाल में ही छिपा है। चौकी मत, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, इस सवाल में ही इसका जवाब छिपा है। बस गौर करके देखने की जरूरत है। 36 की संख्या को आपको ध्यान से देखना है। ये 3 और 6 से मिलकर बना है। और 3 और 6 में कोई संबंध समझ में आया? नहीं ना। दरअसल हम नंबर्स के लिए जो अंक इस्तेमाल करते हैं वह रोमन में होता है। अगर हम 36 को हिंदी अंकों में लिखेंगे तो वह ऐसा दिखता है, 3 6। इसी में ही जवाब मिल गया ना। अगर नहीं तो आइए विस्तार से समझिए। मैथ यानी गणित के शिक्षक प्रोफेसर माणिक बताते हैं कि यदि आप 36 को हिंदी अंकों में लिखेंगे तो पाएंगे कि 3 और 6 दोनों ऐसी संख्या हैं जो एक दूसरे का अक्ष यानी आईने वाली छवि लगती है। 3 को आप पलटेंगे तो वो 6 बन जाता है और 6 को आप पलटेंगे तो वो 3 बन जाएगा। यानी दोनों अंकों को आप एक साथ लिखते हैं, यानी जब आप 3 6 लिखते हैं तो दोनों अंक 3 और 6 एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये आकृति विरोध का आभास कराती है। ऐसा लगता है जैसे दोनों अंकों के बीच परस्पर विरोध हो। 36 का आंकड़ा मुहावरे के साथ 36 नंबर का प्रयोग किए जाने के पीछे यही लॉजिक है, क्योंकि मुहावरा काफी पुराना है और पहले रोमन के बजाय हिंदी अक्षरों का ही प्रयोग किया जाता था। इसीलिए 36 के हिंदी रूप 3 6 के कारण इस मुहावरे का इस्तेमाल किया गया। धन्यवाद। आपको यह हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।